हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो कि आपके सफ़ेद बालों को काला कर देगा जड़ से। सो फ्रेंड्स, आज जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ की है वो 100% नेचुरल और प्योर है, कोई भी केमिकल्स यहाँ पे नहीं है। और ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सदियों से यूज आते रहे हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए और बालों को नेचुरली काला रखने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस नुस्खे के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आपको सबसे पहले चाहिए हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर यानी गुड़हल के फूलों का पाउडर, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर लोकल मार्केट से भी आप परचेस करते हो, पर लोकल मार्केट थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप इसे ऑनलाइन इजीली बुला सकते हो। और इसके जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने देखा है उसके ऑनलाइन लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और हमको दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर की बेनिफिट तो हम सबको पता है कि हमारे बालों को काला करने के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। ये फुल ऑफ विटामिन सी होता है जो कि हमारे बालों के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है कलौंजी सीड्स। कलौंजी सीड्स भी हमारे बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को नेचुरली काला करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि इसको कैसे तैयार करना है। फ्रेंड्स, आपको एक चम्मच हिबिस्कस पाउडर लेना है, एक चम्मच आंवला पाउडर लेना है और दो चम्मच आपको कलौंजी पाउडर लेना है। सो चलिए। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक चम्मच हिबिस्कस पाउडर लिया है, एक चम्मच। अब आपको एक चम्मच आंवला पाउडर लेना है, एक चम्मच आपको आंवला पाउडर लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने जो कलौंजी का पाउडर ग्राइंड किया था वो हमको लेना है, दो चम्मच कलौंजी पाउडर। अब हमको यह मिक्स करना है। और इसमें हमको डालना है ऑयल। इसमें हमको डालना है कोकोनट ऑयल ताकि इसका एक अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से वो मिक्सचर बन जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से आपको बनाना है। और आपको इसको लगाना कैसे है, इसको आपको हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार आपको बालों में लगाना है। कैसे लगाना है, आपको इसको अपनी हथेली पे लेकर अपने बालों के जड़ में लगाना है, रूट में लगाना है, ठीक है। कोई भी आपके बाल जो रूट से आने वाले हैं, तो आपको अपने बालों को इससे अच्छे से मसाज करनी है, अपने बालों को, अपने रूट्स को अच्छे से अपने पूरे बालों को लगाना है और हल्के से मसाज करना है। और इसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा अपने बालों पर ये रखना है, ठीक है। और आधे घंटे के बाद आपको एक माइल्ड शैम्पू से अपने बाल धो लेने हैं। और ऐसा आपको कम से कम 3 महीने तक करना है, ठीक है, हफ्ते में एक बार। और ऐसा आपको रेगुलर 3 महीने तक करना है, क्योंकि कोई भी नुस्खा अगर आपके बालों को वर्क करेगा तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए। कोई भी काम ओवरनाइट नहीं होता। अगर जो लोग कहते कि आप एक बार लगा लो और दूसरे दिन आपके बाल काले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वैसा नहीं होता। इसको टाइम चाहिए होता है और इसको भी टाइम चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार लगाते हो 3 महीने के लिए, तो ये आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखेंगे इसके। तो रेगुलर कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ये नुस्खा आजमाना चाहते हो तो। सो फ्रेंड्स,
ये था आज का ये इंग्रेडिएंट्स। आई होप आपको बेनिफिशियल लगे, क्योंकि मुझे ये पर्सनली मैंने यूज़ किया है और मुझे काफ़ी बेनिफिट इसके लगे हैं, और इसलिए मैंने आज आपके साथ ये नुस्खा शेयर किया है। क्योंकि मैं भी सफ़ेद बालों के मेरी जो समस्या थी उससे जूझ रही थी, और ऐसे में बहुत ही मैंने सर्च किया है और बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं, और उसमें से मुझे ये वाला जो नुस्खा है वो काफ़ी अच्छा लगा। नेचुरल है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो 100% नेचुरल है, कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है, तो और ये वर्क भी करते हैं। तो आप अगर आप चाहते हो अपने बालों को काला करना, या फिर अपनी जो सफ़ेद आपके बाल हो समय सफ़ेद हो रहे हैं उसको जड़ से ख़त्म करना, तो आप प्लीज़ इसको यूज़ कर सकते हो। और आप मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा यूज़ करने के बाद। आप डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पर कमेंट कर सकते हो अगर आपको ये यूज़ करने के बाद इसका जो भी रिज़ल्ट आया है उसे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा, और यूज़फुल लगा हो तो ही आप लाइक देना, वरना लाइक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सो फ्रेंड्स, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच।